नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिल्टोरिटी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिल्टोरिटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिल्टोरिटी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिल्टोरिटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिल्टोरिटी एक ब्रांड नेम है। सिल्टोरिटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। सिल्टोरिटी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सिलनेडिपाइन 10 mg और टेलमिसार्टन 40 mg होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली सिल्टोरिटी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सिल्टोरिटी टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिल्टोरिटी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। सिल्टोरिटी टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिल्टोरिटी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिल्टोरिटी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, बार बार पेशाब आना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, सांस फूलना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, चेहरे, हाथों व पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, कब्ज होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स सिल्टोरिटी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सिल्टोरिटी टैबलेट की वजह से जुखाम और गले में खराश या गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिल्टोरिटी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सिल्टोरिटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन सिल्टोरिटी टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिल्टोरिटी टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। सिल्टोरिटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिल्टोरिटी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिल्टोरिटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिल्टोरिटी टैबलेट के साथ दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदि दवाओं को सिल्टोरिटी टैबलेट के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिल्टोरिटी टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से सिल्टोरिटी टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सिल्टोरिटी टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिल्टोरिटी टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सिल्टोरिटी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिल्टोरिटी टैबलेट को लेने के
बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिल्टोरेटी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सिल्टोरेटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।